बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। क्योंकि जो अपने लास्ट वीडियो थे, उन लास्ट वीडियो में आपने जो आपको सैटरडे को वीडियो सेंड हुई थी, उससे बिफोर जो फ्राइडे को वीडियो आपने देखी है, उस वीडियो में आपने बोर मॉडल का, जो हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल है, उस पर अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बोर मॉडल पर ही फिर अपन ने बात की उसके आगे कि एक्सप्रेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है कि जो अपने कल टॉपिक लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, ठीक है, उस पर अपन ने एक फॉर्मूला भी, यानी कि उस फॉर्मूले से अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई आप वेव नंबर, ठीक है ना, उसकी फ्रेक्वेंसी, ठीक है, ये आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ये किसे अपने बनाया था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर जो बोर ने अपना हाइड्रोजन एटम का मॉडल जो अपने को शो किया था, इसने रिप्रेजेंट प्रेजेंट किया था, तो उसमें क्या है कि कुछ क्या रह गई कि कुछ डिफेक्ट्स रह गए। ठीक है, लिमिटेशन बोल दें या डिफेक्ट्स बोल दें, ठीक है, तो या ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है, वो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वही है। ठीक है, कोई नए तो आएंगे नहीं, क्योंकि मॉडल भी वही है, तो निश्चित है कि लिमिटेशन भी वही मिलेगी। तो आपको अब इसमें देखिए, फर्स्ट तो क्या है कि एक तो क्या है कि ये जो इसका हाइड्रोजन एटम के लिए जो मॉडल था बोर का, तो एक तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या रही कि ये क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम को क्या है कि ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सका, क्लियर नहीं हुआ इससे। कि मतलब क्या है कि बाद में इसकी जो रिसर्च, वो रिसर्च थी, उसके बाद में क्या है कि कुछ ऐसे अपने पास एपरेटस अवेलेबल हुए, जिनसे क्या है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको, उस स्पेक्ट्रल लाइन को क्या है कि ज़्यादा वो किया गया, यानी कि स्पेशल टेक्निक से क्या है कि वेरीफाई किया गया, तो उसमें क्या है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो सिंगल लाइन नहीं थी, तो उसका जो रीजन था बाद में, वो इससे क्या है कि वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और सेकंड क्या है कि जो कोई भी एटम्स होते हैं, उन एटम के क्या है कि कॉम्बिनेशन से या उनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, किसी भी रीजन से क्या है कि जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि उनके बिटवीन क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग बनती है, और केमिकल बॉन्डिंग होती है तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, वो क्या है कि ये इससे स्पष्ट नहीं हुआ था, ये इससे क्या है कि क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्या रही इसकी ड्रॉबैक रही, या अपने लिमिटेशन, ठीक है, कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डबलेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइन्स, ठीक है, स्पेस लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाई यूजिंग स्पेसिफिक ऑफिस्केटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, कि एक तो क्या है कि हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो इसे क्लोजली टू लाइन्स क्लियर नहीं हुई, और दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन एटम के अलावा अदर जो स्पेक्ट्रम थे, यानी कि अदर एटम का जो स्पेक्ट्रम था, वो भी क्या है कि उसका एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि भाई इसने जो हीलियम पर बात की थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, हीलियम एटम विच पासेज ओनली टू इलेक्ट्रॉन फर्दर, बोर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसने देखो जो मॉडल दिया था, अपने उसमें भी डिस्कस किया था कि इसने जो हीलियम एटम पर जो मॉडल दिया था, वो हीलियम आयन पर दिया था, यानी कि इसने जो भी अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया था
प्रेजेंटेशन दी थी उसमें, तो उसने क्या है कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे उसमें आपको एग्जांपल दिया था कि भाई ये क्या है कि एच ई प्लस या एल आई प्लस टू या बेरिलियम प्लस थ्री, यानी कि इसके पास क्या है कि ओनली इन सब के पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही क्या है कि इस कंडीशन में जो आयन्स होते हैं उनके पास भी क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस बेस पर इसने दिया था। अगर क्या है कि हीलियम की नेचुरली बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये क्या है कि अपन ये बोले कि हीलियम न्यूट्रल स्टेट में है, तो उस कंडीशन में इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो इसे क्लियर नहीं होता इस मॉडल से, ठीक है। और सेकंड जो रीजन था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, कि जो एटम्स हैं वो एटम्स क्या है कि किस टाइप से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या है कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो वो भी इसे क्या है कि क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्या है कि इसके बोर मॉडल के क्या थे, ड्रॉबैक थे, ठीक है, लिमिटेशन थी। अब जो आज अपना आगे बात कर रहे हैं तो इसमें अपना कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या है कि जो अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसमें अपने एक फॉर्मूला यानी कि उसमें अपने क्या क्या कैलकुलेट कर रहे थे, बे उसकी एक तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए अपने फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था, आर एच सॉरी वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको बताई गई थी कितनी थी, 2.18 × 10^-18 जूल, ये वैल्यू आपको बताई हुई है। एन और एन आई इनिशियल और एन एफ फाइनल, ठीक है, तो ये आपको बताया था इसमें, ठीक है, इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट, ठीक है, कि जब एनर्जी एब्जोर्व करके क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उस टाइम उनके एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से अपन ने क्या है कि उसकी क्या है कि फ्रेक्वेंसी कैलकुलेट की, यानी कि अपन ने वी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपन ने क्या है कि वेव नंबर को कैलकुलेट किया था। तो अपन ने क्या है कि जो लास्ट वीडियो उसमें इन तीन की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपन ने बताया था कि अपने किस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इनके बेसिस पर ही क्या है कि अपने पास मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको ओनली यहां पर रीड करके बता रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि एक क्वेश्चन है अपने सामने कि व्हाट आर द फ्रेक्वेंसी, व्हाट आर द फ्रेक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, यानी कि अपन से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रेक्वेंसी और वेव लेंथ यानी कि लैम्बडा, ठीक है, वेव लेंथ ऑफ ए फोटोन, फोटोन के लिए अपने को ये कैलकुलेट करना है, इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन फाइव, एन इक्वल टू फाइव टू द एन इक्वल टू टू स्टेट, यानी कि टू से फाइव में वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा हाइड्रोजन स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्रेक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू फाइव स्टेट टू द एन इक्वल टू टू स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहां पर जो अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें अपने को भी क्या क्या वैल्यू दे दी, ठीक है, तो एक तो अपने को दे दिया एन आई इनिशियल, वो क्या है फाइव, और एक अपने को दे दिया एन एफ यानी कि ये क्या वैल्यू दे दी टू, एन फाइनल यानी कि फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। अब इस वैल्यू से आप क्या है कि इसमें अपने को क्वेश्चन क्या क्या है कि एक तो वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक लैम्बडा कैलकुलेट करना है। तो वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो मैं एक थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर बात करता हूँ भी अपने को कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाना है, तो वी की अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो वी इक्वल टू डेल ई अपॉन सॉरी
डेल ई अपॉन एच होता है, ठीक है ना भाई। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए अपने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो डेल ई की वैल्यू तो अपने को दी हुई नहीं है, तो डेल ई की वैल्यू क्या है कि अपने किसे कि अपने जो ये फॉर्मूला बताया है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाए कैलकुलेट भाई, आर एच क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है, ये है एन आई और एन एफ की वैल्यू अपने को दी हुई है, तो इससे क्या है कि आप डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्या है कि प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो अब अपन क्या है कि फर्स्टली अपन तो ये वी की वैल्यू याद करेंगे। अब लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा यानी कि जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सी अपॉन वी। तो यानी कि पहले बेस सी है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट होगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.18, सॉरी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर वी है तो वी यहां से मिलेगी, और वी कैलकुलेट करना है तो अपने को किसकी जरूरत है, डेल ई की। तो पहले अपन क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, यानी कि अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले अपने को क्या है कि डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर अपने को डायरेक्टली डेल ई की वैल्यू दे देते तो अपन डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन अपने पास डेल ई की वैल्यू नहीं है। तो डेल ई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला अपन लगाएंगे डेल ई इक्वल टू आर एच, या आर एच की जगह अपन इसका रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 upon n I² -1 upon n F² ठीक है। तो डेल ई इक्वल टू आर एच की वैल्यू क्या है, अभी आपको बताई थी 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल ब्रैकेट, ठीक है। 1 upon n I की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस एन एफ का क्या है, 2 वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, डेल ई इक्वल टू 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 upon 4, ठीक है। अब ये पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू तो इसके साथ साथ चलेगी, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, क्या ले लें, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम 100, या उससे बिफोर भी कोई आएगा, नहीं आएगा, एलसीएम 100, तो क्या हो जाएगा 4 − 25, तो डेल ई इक्वल टू 2.18 × 10⁻¹⁸ इंटू क्या हो जाएगा −21 upon 100, ठीक है। तो माइनस से इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखिए आप इसको 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई जो भी आपको करना है, तो अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी भाई, 100 से क्या है कि आप इसका पॉइंट क्या कर सकते हैं कि या तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है ये, तो इसको यहाँ पर 20 कर दें, ठीक है भाई। ऊपर ये 10⁻¹ इसको क्या लिख सकते हो, 2, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आगे क्या हो जाएगा, डेल ई इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस चिन्ह मैंने माइनस साइन जो है सामने ले दिया है, 2.18 × 10⁻²⁰ −20 भाई, 18 और 2 यहां से आ गई है, तो ये क्या हो गया −20 upon sorry into 21, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी, -4.58 इंटू 10^-90, यानी कि ये आता है -45.8, सॉरी यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है, तो मिसिंग कर गया बेटा, यहीं आएगा पॉइंट। तो अब क्या है कि डेसिमल को इधर ले जाएंगे तो इसमें से एक क्या हो जाएगी, माइनस कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -19 जूल। समझ गए ना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या करके दिखाएं आपको, ले मैं कर देता हूँ आपको, पता नहीं आप सोचोगे सर ने कैसे करा, मैंने कैलकुलेटर से किया था, वैसे तो ये सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 8 जा 21 8 जा 68, ठीक है, 16 कैरी, 21 इंटू 21 16, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 37 3 कैरी, और 21 2 जा 42, 42 और 3 कैरी क्या हो जाएगा, 45, कितने पॉइंट है डेसिमल, 2, तो ये आ गया। अब अपन ने जो सिग्निफिकेंट जो अपन ने नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, कि आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप कैसे क्या करेंगे, अब कि भाई डेसिमल है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा, तो डेसिमल को मैंने इधर लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अपने क्या सोल्व करेंगे, कि अब अपने पास डेल ई की वैल्यू हो गई, तो अब अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि इसे अपने सोल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ इसको। तो अपना वी फ्रीक्वेंसी डेल ई अपॉन एच, ये अपना फॉर्मूला है, तो डेल ई की वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट की है, ठीक है, तो डेल ई की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की है, तो उस वैल्यू से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, डेल ई की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है, 4.58 इंटू 10^19 जूल, ठीक है, और जो अपने प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10^-34, ठीक है, तो ये वैल्यू अपन ने जूल सेकंड ये वैल्यू कर दी। पहले तो आप पावर्स का वो करेंगे और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कि इससे इसको डिवाइड करोगे तो आप, मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.91, ठीक है, और यहाँ जो पावर्स हैं ये ऊपर जाएगी, यानी कि 10^19 है ये, +34 हो जाएगी, तो अपने पास बचेगी 10^ प्लस में, और कितनी बचेगी, 15, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या है कि 1 पावर यहाँ पर कम कर लेते हैं, डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 45.8 इंटू 10^14 अपॉन 6.626, ठीक है, तो इससे आपको सोल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगी अपने पास वैल्यू, इसे डिवाइड करेंगे तो 10^14 हर्ट्ज, ठीक है ना, या पर सेकेंड, ये वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने को इससे क्या क्या कर सकते हैं, कि अब आगे अपने क्वेश्चन है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वेव नंबर, सॉरी वेव लेंथ, सी अपॉन वी, सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वैल्यू है, और वी की वैल्यू अपन ने ये कैलकुलेट कर दी, तो 6.91 × 10^14 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब आप इसमें पहले पावर्स का कर दें, तो पावर्स ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की,
तो लैम्बडा इक्वल टू 3 × 10^2 क्या हो जाएगा, 8 − 14 / 6.91। तो 3 × 10^-6 − 6 हो जाएगी अपॉन 6.91। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करेंगे अपने, वो किस में आएगी अपने पास, मीटर्स में आती है। ठीक है, तो मीटर को फिर किस में करेंगे अपने, नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करना होता है, 10^-9 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सॉरी डिवाइड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो पावर्स तो कैंसिल हो जाएगी और अपना सीधा क्या है कि इससे इसको एक पावर बचेगी, यानी कि 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपने को वैल्यू मिलेगी, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से किया क्या है, तो 343 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको क्या है कि टाइम शॉर्ट की वजह से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू।